हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि फैज अमन मेले में आज कुछ शिरकत मेरी है उससे बड़ी मुझे खुशी हुई है, क्योंकि नज़रियाती ये इकट्ठ है, इसमें सब लोग आए हुए हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी की, मजलूम की, महरूम की बात करते हैं, यहाँ पर मेहनत कशों की बात करते हैं, तो इधर आके हमेशा अच्छा लगता है। और मैंने जितना मेरा पार्ट आज मैं प्ले कर सकूँगा, जो मैंने लोगों से बात की वो तो कर दी है भी, और उसके अलावा जो मौसीकी करनी है उसके अंदर मैसेजेस देने हैं वो भी आज मैं दूंगा। क्या बराबरी बॉडी पाकिस्तान जो है वो स्पेशली आज इस काम के लिए आई है, मेरे साथ सारे हमारे जितने भी पार्टी के लोग हैं वो हैं, मौजूद हैं यहाँ पे, और हम एक तबकाती सवाल खड़ा करना चाहते हैं पाकिस्तान में और मासिस के लेवल पर। हम चाहते हैं कि ये एक मासिस की पार्टी बने, ताकि इस मुल्क के अंदर पहली दफ़ा इतने अरसे के बाद ये बात शुरू हो कि एक आम आदमी को वो तमाम चीज़ें चाहिए जो कि उसके ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, जीने के लिए ज़रूरी है, खाना है, कपड़ा है, घर है, तहफ़ है, तालीम है, सेहत है, रोज़गार है, बिजली है, पानी है, ट्रांसपोर्ट है, इंसाफ है, ये सब बेसिक नीड्स हैं और बेसिक नेसेसिटीज़ के साथ साथ बेसिक फैसिलिटीज़ भी हैं, तो रियासत को देनी चाहिए। तो हम समझते हैं कि ये बराबरी बॉडी पाकिस्तान में लेके जब चलेगी तो ये तबकाती सवाल ऐसा होगा तमाम डिविजन्स को काटेगा, तमाम लोग जितने भी इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से चीज़ों को देखते हैं, इसके अलावा तबकाती सवाल के अलावा वो उनके अपने अपने मसले वो रहेंगे, उनके अकायद रहेंगे, उनके तरीके रहेंगे, हम उन सब की इज्जत करते रहेंगे, एक दूसरे की भी इज्जत करेंगे, लेकिन तबकाती सवाल पर सब इकट्ठे होंगे। और गोविंदी मीडिया जो है मैं चाहूँगा कि वो मेरी ये बात जो है बराबरी पार्टी पाकिस्तान की ये जो बात है उसको मासिस में लेके जाए, ताकि लोग जगह जगह से आए, नौजवान आए, स्टूडेंट्स आए, मेहनतकश आए, मिडिल क्लास आए, और इस सब मिल के जो है बराबरी बॉडी पाकिस्तान को इस मुल्क के अंदर एक तबकाती सवाल खड़ा करने में सपोर्ट करें और इसको मंजिल तक पहुँचाएँ।